नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। प्रशासन इन दिनों बुलडोजर चलाकर अपराधियों के अवैध किए गए कब्जे से जमीनें मुक्त करा रहा है। वहीं रसूखदारों के सामने पूरा प्रशासन नतमस्तक है, जिसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है चुरहटा थाना क्षेत्र में, जहां महिला को स्थानीय स्तर पर न्याय न मिलने के चलते हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी है। हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर को निर्देश दिया है कि 60 दिन के अंदर कब्जा मुक्त कराकर उसकी जमीन लौटाई जाए। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर को निर्देश दिया है कि ग्राम नवस्था स्थित जमीन को कब्जा मुक्त कराकर आवेदिका को सौंपें। जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने कहा कि इस मामले में पटवारी की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों पर विचार करने के बाद कार्रवाई करें। कोर्ट ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए 60 दिन की मोहलत दी है। आपको बता दें कि राजकुमारी मिश्रा ने याचिका दायर कर बताया था कि उक्त ग्राम में उसकी कुछ निजी कृषि जमीन है, जिस पर जेपी सीमेंट ने पिछले 20 वर्ष से कब्जा कर लिया है। याचिकाकर्ता विधवा है और उसके पास कृषि भूमि ही जीविकोपार्जन का साधन है। आवेदिका ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। कोर्ट को बताया गया कि पटवारी ने 6 दिसंबर 2021 को मौके पर जाकर जांच की और 11 नवंबर 2021 को तहसीलदार को रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसमें बताया गया कि उक्त जमीन आवेदिका की है। जांच रिपोर्ट के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। मामले पर सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कहा गया कि कार्रवाई के लिए वह तैयार है। वहीं जेपी सीमेंट की ओर से भी अभिवचन दिया गया है कि जमीन से मिट्टी और रेत हटा लेंगे। सभी साक्ष्यों को सुनने के बाद कोर्ट ने 60 दिन के भीतर कार्यवाही कर याचिकाकर्ता को उसकी जमीन सौंपने का निर्देश दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी माफिया कार्यवाही के तहत प्रशासन जमीन जेपी से वापस करवा पाता है या फिर पीड़िता को कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा।